रहमतुल्लाहि व वरक मजद नाजरीन हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों स्टेट केरला से शहाब नामी एक नौजवान पैदल हज के लिए निकल चुके हैं पैदल हज करना हराम नहीं है नाजायज़ नहीं है अगर कोई इसको हराम कहता है तो वो गलत कहता है लेकिन इसबाब वसाइल सहूलतों और आसानियों के होते हुए पैदल का रास्ता इख्तियार करना यह बहरहाल मुनासिब नहीं है ये दुरुस्त फैसला नहीं है बल्कि ये अपने आप को हलाकत में डालना है अपने आप पर जुल्म करना है और अल्लाह आलमीन ने अपनी ज़ात पर अपने आप पर जुल्म करने से मना किया है बहरहाल वो निकल चुके हैं अब निकलने के दौरान वीडियो शूटिंग और इसके ज़रिए अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना या इसी तरीके से मुख्तलिफ सोशल मीडिया की साइट्स पर प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को पेश करना ये इस बात का ऐलान है कि गोया कि वो रियाकारी कर रहे हैं नीयतों पर हमला नहीं है किसी के इबादत पर हमला नहीं है किसी के दिल पर हमला नहीं है लेकिन बहरहाल ये सारे काम दिखावे के बज़ाहिर नज़र आते हैं और अल्लाह ने उसके रसूल सल्लास ने इन तमाम चीज़ों से मुसलमानों को मना किया है और आगे बढ़ते हैं, अभी जल्द ही अजमेर की दरगाह पर शहाब भाई तशरीफ ले गए वहां जाना हुआ उनका एक बेहतरीन काम के लिए निकले हुए हैं हज के लिए इस्लाम के पांच अरकान में से एक रुकन को अदा करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन इस बेहतरीन काम के सिलसिले में वो शिरक और कुफर का रास्ता इख्तियार करते हुए अजमेर की दरगाह पर तशरीफ ले गए और वहां उन्होंने गैरुल्लाह से दुआ किया कि हमारा काम आसान हो जाए और वहां पर जाने के बाद एक और वाकया रोनुमा हो गया जिसकी वजह से वहां पर मौजूद मुजावर का किरदार नजर आया शहाब साहब हज के लिए निकले हुए हैं उन्हें हज के सफर पर रहना चाहिए अगर वाकई वो हज करने जा रहे हैं लेकिन अगर महज शोहरत है महज रियाकारी है दिखावा है या अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना है सब्सक्राइबर बढ़ाना है फॉलोअर्स की तादाद में इजाफा करना है तो माफ कीजिए ये अमल अल्लाह को कतई पसंद नहीं है आपका पैसा बेकार आपकी मेहनत बेकार आपका अमल बेकार आपकी इबादत बेकार और उस पर मुस्तादिए कि हज के लिए निकलने वाले सफर में आप शिरक वाला रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं आप गैरुल्लाह की कब्र पर जा करके उनसे दुआएं कर रहे हैं हमारा काम आसान हो जाए हमारा मामला आसान हो जाए और वहां पर मौजूद वो बंदा कहता है यहाँ हम ही दुआ करता है हमारी दुआ बाबा सुनते हैं और हमारी दुआ अगर होगी तब मामला आसान होगा तब मामला शिरक 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 कुफर, 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 ये कौन सा रास्ता इख्तियार किया है एक नेक अमल के लिए आपने एक गलत रास्ता शिरक का कुफ्र का रास्ता इंतखाब किया हज के लिए शिरक का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है याद रखें आप कितनी भी इबादतें कर ले। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में शिरक है शिरक वाला अमल है कितनी ज्यादा इबादतें क्यों ना कर लें ले शिर आपके सारे आमाल पर सारी मेहनतों पर सारी कोशिशों पर पानी फेर देगा गोया कि आपने किया ही नहीं अल्लाह ने अनाम में अठारह नबियों का जिक्र किया अठारह बड़े बड़े नबियों का रसूलों का पैगंबरों का जिक्र किया उसके बाद कहा अशरख अगर इन तमाम नबियों पैगम्बरों रसूलों में से किसी ने शिर किया या तमाम लोगों ने शिर किया होता तो इनके तमाम अमाल बेकार हो जाते बर्बाद हो जाते ख़त्म कर दिए जाते मिटा दिए जाते अब मायशा रुदी अल्लाह त्यारे नबी सूछा अल्लाह के नबी सब्बुल्ल बिन जुदान नाम का एक शख्स था जमाने जाहलीत में बड़ा नेक था सोशल वर्क करता था सामाजिक काम किया करता था यतीमों की बेवाओं की खबरगिरी करता था रहमी करता था रिश्तेदारी को जोड़ता था किसी से कोई दुश्मनी नहीं समाज में बड़ा अच्छा बड़ा नेक नामी इंसान था फल क्या उसकी इन तमाम नेकियों का आखिरत में उसको कोई फायदा होगा प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कोई फायदा नहीं होगा क्यों इनकुल الدين، इसलिए कि उसने किसी भी दिन यह जुमला नहीं कहा मेरे रब कयामत के दिन मेरे तमाम गुनाहों को बख्श देना यानी वो ईमान नहीं लाया उसने शिरक का रास्ता इख्तियार किया वो शिरक के रास्ते पर था और जो बंदा शिरक की हालत में दुनिया से गया इन नयुशर्क बिल्ला ही जन्ना ऐसे बंदे पर जन्नत हराम हो जाती है जहन्नम उसका ठिकाना हो जाता है ईमान सबसे बड़ी दौलत है शिरक सबसे बड़ी गंदगी है आप कितने ही बड़े वली उल्लाह के पास क्यों ना चले जाएं, लेकिन अगर उनका दुनिया से इंतकाल हो चुका है तो ऐसी सूरत में उनसे किसी चीज का सवाल करना ये शिरक है और अल्लाह शिरक को अगर उसी हालत में बंदा मर जाता माफ नहीं करने वाला प्यारे से चले गए राम ने हज के सफर में उमरे के सफर में या किसी और इबादत के लिए क्या नबी पाक सल्ला से दुआ करवाया कि अल्लाह के नबी हमारी हमारी दुआ करवा दीजिए अल्लाह से या हमारा यह अमल कबूल हो जाए हज के सफर में जा रहे हैं आसानियाँ हो हमारे लिए आप अल्लाह से कह दीजिए कहा कभी नहीं आप हज के सफर पर निकले हुए हैं और हज के सफर पर जाते हुए आप शिरक का कुफ्र का काम कर रहे हैं रियाकारी का काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि जो अल्लाह की नज़र में जुर्म है यकीनी तौर से यह चीज़ हमको सोचना चाहिए कि शिरक और कुफ़्र की खराबियां क्या हैं शिरक के नुकसान क्या हैं और इसकी वजह से हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ता है कि हम तमाम को गौर करना चाहिए इबादतें आप कितनी ज़्यादा ही क्यों ना कर लें लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में शिरक है कुफ्र है तो ऐसी सूरत में इन सारी इबादतों पर पानी फेर दिया जाएगा आपकी सारी मेहनत बर्बाद सारा पैसा बर्बाद और सारा आपका अमल करना अकारत बर्बाद और सब मिटा दिया जाएगा हबा अब गोया कि वो हवा में उड़ा दिया जाएगा उसकी कोई हैसियत नहीं होगी अल्लाह आलमीन हम सभी को सलीम सलीमता फ़रमाए शिर्क से कुफ्र से बचते हुए इबादतों के काम अंजाम देने की तौफीक दे आमिर वालेक व वबरकू